ये सरफेस है, हेलो। ये सरफेस है, जब इस पे लाइट पड़ती है, ये लाइट पड़ी, जब वो लाइट पड़ती है तो जो लाइट पड़ती है फॉल करती है, किसका अनम्यूट है ये? ये सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो ये कौन सी लाइन होती है? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जब वो वापस आती है, रिफ्लेक्ट करती है, जो तुम्हें दिखती है वो कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है। शीशे के सामने एक टॉर्च मारो, टॉर्च मार के लाइट देखो, वो जो रिफ्लेक्ट बैक वाली लाइट होती है, वो जो बाउंस करती है, वो रिफ्लेक्टेड रे होती है। क्लियर हुआ करम? क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया। ठीक है। एक लाइन ऐसी होती है कि इन दोनों के बीच में होती है वो, और जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर रहती है, मतलब 90 डिग्री पे रहती है। जो 90 डिग्री पे एंगल रहता है, जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रे। नॉर्मल रे मतलब परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री पे होती है। परपेंडिकुलर बोल दो, 90 डिग्री बोल दो, बात एक ही है। ये हो गया, नॉर्मल रे भी हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये एक नॉर्मल रे है, ये एक इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच में मैंने अभी पढ़ाया था कि चेंज ऑफ एंगल होता है, एंगल चेंज होता है। ये वाला लाइन पढ़ी थी ना, चेंज इन एंगल। तो कहने का मतलब ये था, ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड है। जो नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्शन एंगल होगा, और जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसी को इतने में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। और ये जो दोनों एंगल होते हैं, ये आई वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों बराबर होते हैं। आई इज इक्वल टू आर होता है, ये इक्वल होते हैं। यहां से यहां तक एक बार रीडिंग कर लीजिए, जिसको कोई डाउट है मुझसे पूछ, रीडिंग करिए। इसमें रिपीट के लिए बच्चे कुछ है नहीं वैसे, फिर भी ये मिरर है, ये सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे कौन सी होती है? 90 डिग्री पे होती है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला रे और इसके बीच में होगा, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में होता है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और कोई डाउट इसमें? हां जी करम। मैम, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का क्या काम है? ओके ठीक है, बताती हूँ। हाँ जी बोलराज। मैम ये रिफ्लेक्शन है जो वो सिर्फ स्मूथ मतलब मिरर की एक लेवल पे होना चाहिए ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मतलब स्मूथ जो सरफेस है उस पे होना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, स्मूथ पे भी हो सकती है और उस पे भी हो सकती है, बट थोड़ा सा स्मूथ पे अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे स्मूथ और इसको। पहला क्लियर कर देते हैं, बच्चे का डाउट है कि इनका काम क्या है और इसका काम क्या है। लाइट जब आपने किसी सरफेस पे मारी है, ये एक शीशा लेना, आज शीशे पे लाइट मारना, ठीक है, शीशे पे जब तुम लाइट मार रहे हो, अगर तुम्हें वो लाइट दिख रही है, लगती हुई कि लाइट मारी है, अगर वो दिख रही है तो समझना वो लाइट रिफ्लेक्ट जरूर हुई है। कोई भी चीज आपको दिखे वो उसकी रिफ्लेक्शन हुई है। अगर वो आपको नहीं दिख रही है तो समझना कि वो रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हुई है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बताइए करम, बताइए बच्चे। हो ओके गया कि मतलब अगर वो दिख रहा है कोई चीज तो वो रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखता है, क्योंकि बैक हुई है। अभी सपोज करो आपने टॉर्च मारी है, शीशे पे मारो, यहाँ पे मारो, इस पे मारी, तो रिफ्लेक्शन तो कुछ तो होगी ना। ऐसा नहीं है, ये सरफेस ऐसे भी हो सकता है कि ये इंसिडेंट रे है, ये
ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी बना हो सकता है, ऐसा मत सोचना कि मैम ने तो ऐसे ही कराया, ऐसे भी बना हो सकता है, ये नॉर्मल रे है, इन दोनों के बीच में आई होता है। अनम्यूट म्यूट कीजिए भाई करम अपने आप को, इसके बीच में आर होता है। एक बार पढ़ लीजिए यहाँ तक। इंसिडेंट रे क्या होती है? लाइट रे फॉलिंग ऑन एनी सर्फेस, एक किसी सर्फेस पे लाइट रे फॉल करती है वो होती है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लाइट रे दैट कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल रे कौन सी होती है? परपेंडिकुलर लाइन टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, इस वाले सर्फेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज नोन एज नॉर्मल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और इसको आई बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आई बोलते हैं। तो लॉज क्या होते हैं मैम? लॉज बताइए। सबसे पहला लॉ ये है, अभी मैंने आपको बता दिया, जो इंसिडेंट रे है ये वाली रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, ज्वाइन हो रही है जहाँ पे, और ये एक ही प्लेन पे लाइव कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक इस बेड पे पड़ा है, दूसरा सोफे पे पड़ा है, तीसरा टेबल पे पड़ा है, तीनों एक ही बेड पे पड़े हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट जिसको मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, और कहाँ लाइक करती है? सेम प्लेन पे लाइक करती है। दूसरा यही था कि जो आई होता है, ये वाला एंगल आई इज इक्वल टू आर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, एक बार स्किमिंग करिए, कोई दिक्कत है डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ देख लीजिए एक बार। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रियल इमेज क्या होती है? व्हाट इज नोन एज रियल इमेज? दो फोटोज हैं ये दिख रही हैं आपको। जो रियल इमेज होती है ये एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कुछ भी रख दो, पेन रख दो, पेंसिल रख दो, शीशे में जो दिखता है, मतलब हम खड़े हैं शीशे के सामने खड़े। आप जब सर्कस में जाना किसी में, तो वहां पे आप उल्टे दिखाई देते हो, पूरे इन्वर्ट ही हो जाते हो, ऐसे हो जाते हो। अगर ऐसे खड़े हो तो वो ऐसे दिखाई देता है, इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, एक इन्वर्ट हो जाता है और दूसरे शीशे में आप खुद बिल्कुल सीधे दिखाई देते हो, ठीक है, जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे। दो चीजें होती है, एक ये होता है इन्वर्ट हो जाता है और एक जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये शीशा है, कंकेव मिरर है, यहीं पे पर्सन खड़ा है, यहीं पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब यहां से दिख रही, मतलब लाइट पड़ी शीशे के साथ, रिफ्लेक्ट हुई, वापिस हुई, यहाँ वापिस हुई, ठीक है। दूसरी लाइट भी यहाँ से पड़ेगी, ऐसा तो नहीं लाइट एक ही तरफ से आ रही, हर जगह से लाइट आती, यहाँ पड़ी फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई, तो मतलब एक पॉइंट पे मिली, ये पॉइंट था इंटरसेक्ट हुई, ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट करिए, ठीक है, ओके। और जो फोटो बनी है, इमेज बनी है, इमेज बनी है, वो शीशे के सामने ही बनी है, मतलब स्क्रीन के सामने बनी है, मतलब रियल पर्सन हमारे सामने ही खड़ा है, रियल में ही, रियलिटी में ही वो सामने खड़ा है। रियल का मतलब क्या होता है? असली, हमारे सामने खड़ा है। तो रियल वाली इमेज भी शीशे के सामने ही बनेगी, मतलब कोई भी स्क्रीन हो हमारे सामने ही, स्क्रीन के सामने ही बनेगी, यहीं पे प्रोजेक्टर, यहीं पे स्क्रीन, वो इमेज भी यहीं बनेगी। तो रियल इमेज क्या होती है? जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड वाली रे होती हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, और जो इमेज है वो स्क्रीन पे ही बनी। मैं मिरर्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं कन्वेक्स मिरर और कंकेव मिरर की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये फोटो दिखा रही हूँ आपको, शीशा मत देखना,
कि आप ये सोचो कि कंकेव में ये फोटो बनती है और कन्वेक्स में ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि कंकेव में रियल और इन्वर्टेड बनेगी और कन्वेक्स में ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आपको इमेजेस दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर ये शीशा है, ये वाला शीशा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और राइट है, ये रिफ्लेक्ट बैक होके पीछे आई है, पीछे की तरफ रिफ्लेक्शन इधर हुई है, आगे नहीं हुई है, सिर्फ दिख रही है आपको, डैश 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 है, मतलब दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, दिखावा हो रहा है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऑनलाइन वर्चुअली हम मीटिंग लेते हैं ना, वर्चुअल मीटिंग कैमरा ऑफ कर देते और हम दिखावा करते हम तो क्लास में प्रेजेंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो कैमरा ऑफ करके वीडियोस ऑफ करके और माइक ऑफ करके पढ़ रहे हैं, मतलब वो दिखावा कर रहे हैं, तो ऐसे ही वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, वो दिखावा होता है, स्क्रीन के पीछे होता है, तो बच्चे स्क्रीन के लैपटॉप के पीछे हैं, तो ये देखिए ये स्क्रीन है, ये तो स्क्रीन आगे की तरफ है, तो स्क्रीन के पीछे इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, स्क्रीन के पीछे बनती है, और रिफ्लेक्टेड रे देखो पीछे की तरफ है, मतलब यहीं पे वापिस हुई है, इंटरसेक्ट नहीं हुई, लेकिन तुमको तो इंटरसेक्टिंग दिखाई दे रही है, मैं कह रही हूँ मैम ये तो देखो ज्वाइन हो रही है, सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, तो मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि बच्चे प्रेजेंट है, ऐसे ही मुझे ये इंटरसेक्शन भी दिखाई देगी कि हो रही है, लेकिन नहीं होती है, एक्चुअली में नहीं होती है, अपीयर टू बी, और जो इमेज होती है वो जो एक्चुअली में जो इमेज होती है वो स्क्रीन के पीछे बनती है, क्लियर हुआ। जैसे आप लोग शीशे के सामने खड़े हो, ये पर्सन है, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं, हमको जैसे हो तुम वैसे ही दिखाई दे रहे हो, सीधे खड़े हो तो सीधे ही दिखाई दे रहे हो, उल्टे खड़े हो तो उल्टे ही दिखाई दोगे, क्योंकि जैसे खड़े हो वैसे ही दिखाई दे रहे हो, क्योंकि जो स्क्रीन के पीछे इमेज बन रही है, क्लियर हुआ, तो वो स्क्रीन के पीछे इमेज बनती है। तो रियल इमेज क्या होती है, इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे बनती है, ठीक है जी, फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, वो भी इंटरसेक्ट। वर्चुअल इमेज क्या होती है, स्क्रीन पे नहीं बनती है, मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हो बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन भी बोल सकते हो, स्क्रीन के पीछे बनती है, शीशे के पीछे बनती है, कुछ भी बोल सकते हो, टीवी के पीछे बनती है, वर्चुअल इमेज हो गया। और ये लेज ऑफ आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन तुम्हें दिखती है, बट दे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम इट, क्लियर हुआ। रियल इमेज और इन वर्चुअल इमेज का इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, स्क्रीन पे ही बनती है, कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन, जो रेज ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, मीट करती है मतलब इंटरसेक्ट करती है, अपीयर टू मीट इन अ पॉइंट, अपीयर दिखावा करती है, अपीयर रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट चलता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है दिखने में, मतलब जो होती है लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, वैसे तो इन्वर्टेड फोटो होती है लेकिन तुमको दिखाई सीधी देती है, तो वर्चुअल के साथ हमेशा लिख लीजिए, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही चलेगा, सरताज के साथ सरताज सिंह चिम्मा ही लगता है, ऋषिकांत के साथ मिश्रा ही लगता है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड लगता है, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही लगता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड, बट लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड को कैन बी इग्नोर, बट ये चीज इग्नोर मत कर। कहने का मतलब क्या है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मिरर ने फोटो बनाई है रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, None of these. तो रियल, आपको ये पता है कि एक प्लेन मिरर है, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, हमेशा यही बनाएगा, असली नकली इमेज ही बनाता है, झूठी इमेज बनाता है, तो आपको ये पता है वर्चुअल भी आप देख लोगे और आप फटाफट से कह दोगे इरेक्ट है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड ही चलता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।